वी हैड सॉ व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज गुड्स, ओके, व्हाट इज सर्विसेज, व्हाट आर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में भी दूसरे कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके, ये हमने देखा था. हम आगे बढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है, ओके, चलो देखते हैं आगे क्या है. तो कल हमने ये सब देखा था, हम आगे बढ़ते हैं. प्लीज माइक ऑफ कर दो सब, एवरीवन माइक ऑफ कर दो यार, ऐसे मत करो, माइक ऑफ कर दो, ठीक है. यस, आगे बढ़ता हूँ. मैंने अभी अनम्यूट की राइट नहीं दे रहा हूँ किसी को भी. जब मुझे आगे किसी के साथ बात करना है तो म्यूट की राइट दे दूंगा आपको, अनम्यूट की, फाइन, ठीक है. आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट चीज के बारे में क्या है जरा देखते हैं. तो इन द मीन वाइल शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं अपन. यस, ये हमारा अकाउंट्स को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अकाउंट्स की भाषा क्या होती है, ठीक है. अकाउंट्स की भाषा, अकाउंट्स मतलब हिसाब किताब रखना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मतलब हिसाब किताब रखना. किसका हिसाब किताब रखते हैं अपन? बिजनेस का. बिजनेस का हिसाब किताब मतलब क्या? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज नथिंग बट एक ऐसी एक्टिविटी जो आप रोज करते हो बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. हर दुकानदार प्रॉफिट के इंटेंशन के ऑब्जेक्टिव के वजह से दुकान चलाता है, ठीक है. चाहे वो दुकान ये हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आपका खुद का क्लिनिक हो, या चाहे आपका ऑफिस हो, तो आप हमेशा किसके लिए करते हो? प्रॉफिट कमाने के लिए, फाइन. और ये रोज करते हो आप, ठीक है. प्रॉफिट इज नथिंग बट एनी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट. 100 रुपए की चीज जब आप 120 में बेचते हो तो 20 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए की चीज जब आप 80 रुपए में बेचते हो तो उसको बोलते हैं 20 रुपए का लॉस, ठीक है. तो इनकम क्या होती है? इनकम कमाने के अलग अलग जरिए हो सकते हैं. तो इनकम इज नथिंग बट अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, अमाउंट रिसीव बाय सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट रिसीव बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अमाउंट रिसीव इन केस ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ओके. भूमि का बेटा, आप आज ज्वाइन हुए, कल मेरा एक लेक्चर, तो कल का लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, आप जरा देख लेना, ठीक है. तो भी थोड़ा फास्ट फास्ट जाएगा, जो आज बच्चों ने ज्वाइन किया है कल नहीं थे, तो मैं फास्ट फास्ट इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कल ये बहुत निवांत लिया हुआ है, ठीक है. तो इसीलिए ना कल का लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा मैं आपके लिए, इन द मीनवाइल इसको फास्ट फास्ट बस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है. एक्सपेंडिचर, इनकम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इनकम कमाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, ठीक है. नेक्स्ट, गुड्स मतलब क्या? माल, स्टॉक, कमोडिटी, ओके, जिसमें बिजनेस वाला डील करता है. क्यों डील करता है? ताकि वो खरीद के उसको बेच सके और बेचने के बाद उसको प्रॉफिट मिल सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुड्स. सर्विसेज, एक ऐसी प्रकार की एक्शन या एफर्ट जो डालते हैं जिसका, जिससे किसी की नीड या डिमांड फुलफिल होती है, ठीक है. देन नेक्स्ट, व्यवहार दो लोगों में होता है, दो लोगों में मिनिमम व्यवहार होता है. मैं और मेरी तन्हाई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है. वैल्यू जो है वो ऑन द स्पॉट भी सेटल हो सकती है, नहीं भी सेटल हो सकती है. ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू, ये ऑन द स्पॉट भी सेटल हो सकती है, नहीं भी सेटल हो सकती है. अगर ऑन द स्पॉट सेटल हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन कैश, अगर ऑन द स्पॉट सेटल नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन क्रेडिट. क्रेडिट मतलब क्या? उधार का ट्रांजैक्शन. क्रेडिट मतलब क्या? उधार का ट्रांजैक्शन, फाइन, ठीक है. तो कैश ट्रांजैक्शन मतलब ये सारे कैश, जब आप कोई पैसा देते हो तो भी कैश ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा, जब आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो तो भी कैश ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा, जब आप चेक देते हो तो भी कैश ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा, जब आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो भी कैश ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा, जब आप कोई वॉलेट से पेमेंट करते हो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा, ठीक है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा कि जहां पे आपने पैसे दिए नहीं है और पैसे जो है आप बाद में देने वाले हो. मैंने अप्सरा से गुड्स खरीदी की है और अप्सरा को बोला मैं पैसे बाद में दूंगा. सोनू से गुड्स खरीदी की है और मैंने मैंने सोनू को बोला सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का, तो बोला आए भरोसा नंतर द्या पैसे काय हरकत नहीं. क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पैसे बाद में देना है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने कल तक देखा था, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, ओके. अब हम स्लो स्पीड से करेंगे, फाइन, ओके. अब देखो ये क्या है. मैंने मैंने अपने बीवी के लिए ज्वेलरी खरीदी, मैंने अपने बीवी के लिए ज्वेलरी खरीदी और उसको गिफ्ट दिया. 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी. हाँ सुयश, हाँ ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम. मेरा अभी ऑनलाइन लेक्चर चालू है, कर ठीक
ठीक है, मैसेज भी किया तो भी चलेगा व्हाट्सएप, ठीक है? डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके ओके ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर। सॉरी, यस। तो मैंने अपनी बीवी के ज्वेलरी खरीदी, बीवी के लिए ज्वेलरी खरीदी 1.5 लाख रुपए, ठीक है? ज्वेलरी मिली, कौन से दुकान से खरीदी? वो मैंने पीएन गार्ड गेट से खरीदे, ठीक है? तो पीएन गार्ड गेट से मैंने ना ज्वेलरी ली और मैंने उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है? ट्रांजेक्शन हुआ हाँ या नहीं? ट्रांजेक्शन हुआ हाँ या नहीं? दो लोगों में ट्रांजेक्शन हुआ हाँ या नहीं, पहले बताओ, कम ऑन टेल मी, क्या ये ट्रांजेक्शन हुआ हाँ या नहीं? प्लीज लीव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या ये ट्रांजेक्शन हुआ हाँ या नहीं? लीव इन योर चैट बॉक्स यस और नो। यस, ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है? आगे आगे आगे, मैंने अपने बच्चों के लिए स्कूल फीस भरी, मेरे बच्चों को एजुकेशन चाहिए था, स्कूल में गया, स्कूल में बोला तुम सर्विस रेंडर करो और मैं आपको ये पैसे दे रहा हूं, मेरे बच्चों को पढ़ाओ आप, ठीक है? क्या ये ट्रांजेक्शन हुआ हाँ या नहीं? क्या ये ट्रांजेक्शन हुआ हाँ या नहीं? कम ऑन टेल मी, यस और नो, ट्रांजेक्शन हुआ? यस। नेक्स्ट नेक्स्ट, मैंने अपने बच्चों की शादी करवाई और एक इवेंट मैनेजर को अपॉइंट किया, इवेंट मैनेजर को बोला पूरे शादी का सर्विस तू ही देखने वाला है, पूरा देख रेख तू ही करने वाला है, कितना तेरा पैकेज? बोला 10 लाख रुपए पैकेज। मैंने 10 लाख रुपए उसको दे दिए, मेरे बच्चों की शादी हो गई। ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हाँ या नहीं? ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हाँ या नहीं? यस, डन। नेक्स्ट, मैं अपने बच्चों के साथ है ना वर्ल्ड टूर करने गया, ठीक है, घूमने गया, एयर टिकट खरीदी मैंने, एयर टिकट के लगे मेरे को 5 लाख रुपए, मैंने 5 लाख रुपए दिए, एयर टिकट ले ली और मैं घूमने चला गया, मस्त पे की खुश होके आ गया मैं। क्या ये ट्रांजेक्शन हुआ हाँ या नहीं? क्या ये ट्रांजेक्शन हुआ हाँ या नहीं? यस एवरीवन, सब ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व था, कैश ट्रांजेक्शन है, यस एवरीवन, कैश ट्रांजेक्शन है, यस एवरीवन, डन। अब मुझे ये सवाल का जवाब दो, अब मुझे ये सवाल का जवाब दो जो नेक्स्ट पूछ रहा हूं आपको मैं, क्या ये ट्रांजेक्शन से मेरे बिजनेस को कुछ इफेक्ट होने वाला है क्या नहीं होने वाला है? इसके ऊपर मेरा कुछ बिजनेस से कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी होने वाली है क्या नहीं? क्या इससे कुछ बिजनेस से कुछ संबंध है क्या नहीं? ये ट्रांजेक्शन से क्या ये बिजनेस से कुछ संबंध है या नहीं? नो, बिल्कुल भी कुछ संबंध नहीं है बिजनेस से, सच्ची में बिजनेस से कुछ प्रभाव नहीं है। तो क्या ये मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या पर्सनल ट्रांजेक्शन है? क्या ये मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या पर्सनल ट्रांजेक्शन है? कम ऑन टेल मी, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या पर्सनल ट्रांजेक्शन है? बताओ एवरीवन, बिजनेस क्या पर्सनल? सारे पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो बच्चा लोग आज समझ के लो, बच्चा लोग, हिसाब किताब जो रखा जाता है ना, हिसाब किताब अकाउंट्स, वो बिजनेस का रखा जाता है, पर्सनल ट्रांजेक्शन का नहीं। किसका रखा जाता है? बिजनेस का रखा जाता है, पर्सनल ट्रांजेक्शन का नहीं। तो पर्सनल ट्रांजेक्शन हम अपने बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। लेकिन सर मेरे पप्पा रिकॉर्ड करते रहते हैं, आज घर का कितना खर्चा हो गया, आज कितना किराना लिया, आज है ना कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया घर का। करते क्या नहीं करते घर वाले? पप्पा करते क्या नहीं हाँ या नहीं? कम ऑन टेल मी, पप्पा रखते क्या नहीं? रखते हिसाब किताब, मम्मी भी रखती रहती है हिसाब किताब। तो वो अलग हिसाब किताब हुआ, वो घर का हिसाब किताब हुआ। हम जो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी सीख रहे हैं ना, वो बिजनेस का सीख रहे हैं, समझा आपको? तो हम बिजनेस के हिसाब से एंट्रीज करेंगे, घर के वाले नहीं। घर वाले घर के घर गृहस्थी जो है वो खर्चे रखेंगे, ठीक है? समझा एवरीवन? समझा एवरीवन? यस एवरीवन, समझा एवरीवन? यस और नो, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। सर लेकिन किसी को ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? सर ये पैसे, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सर ये जो इतना ज्यादा आपने खर्चा किया पर्सनल के लिए, ये पैसे भी तो आप बिजनेस से उठाने वाले हो। किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये सारे इसके लिए पैसे भी तो आप बिजनेस से उठाओगे सर, आपको थोड़ी आपके सास ससुर पैसे देने वाले हैं, हाँ आपको थोड़ी आपके सास ससुर पैसे देने वाले हैं, हाँ या नहीं? ओके, किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया? कम ऑन टेल मी, किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया? सर इसके लिए आपको है ना पैसे तो दुकान से ही लगेंगे ना आपको, है ना? किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि नहीं? कम ऑन टेल मी, किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि नहीं? किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आई है? ये पैसे तो आप दुकान से ही लेने वाले हो ना, आया है ना? आया नहीं? ये पैसे तो आप दुकान से, तो आप कैसे बोल सकते हो सर ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे? तो आप कैसे बोल सकते हो रिकॉर्ड नहीं कर सकते? तो सुनो बच्चा लोग, मैं आपको आज नई चीज सिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, हाँ सुनो, आपको इसमें सारी चीजें क्लियर पता चल जाएगी, ठीक है? सुनो, आपको है ना हर महीने है ना पॉकेट मनी मिलती है पप्पा से, ठीक है? हर महीने आपको पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है? ओके, कितनी पॉकेट मिलती है बोलो आर्या, कितनी मिलती है आपको पॉकेट मनी? आर्या कितनी पॉकेट मनी मिलती है आपको? हाँ हर महीने की नहीं मिलती है, किसको अपनी अपनी पॉकेट मनी बता दो यार मुझे, कितनी मिलती है तुमको पॉकेट मनी? मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ कितनी मिलती है चैट में डालो एग्जांपल, चलो उसके नाम पे अपन ये स्टोरी करेंगे।
चैट में जवाब दो कितनी पॉकेट मनी मिलती है सर, नहीं बताएंगे अपन, शर्म आती है आपको, ठीक है, शर्म आती है। ओके चलो, सेजल ने बता दिया, सेजल ने बता दिया, ओके ठीक है, केवल ने भी बता दिया, ठीक है। चलो सेजल को है ना 500 रुपए है ना, 100 रुपए पर डे, क्या बात है कौशल, अरे क्या बात है। चलो कौशल का एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा बड़ा भारी भरकम है, ठीक है, नहीं कौशल नहीं, कौशल नहीं, कौशल नहीं बाबा, कौशल बहुत भारी भरकम है, ठीक है, 100 रुपए पर डे। चलो ऐसा करेंगे, कौशल को है ना महीने का 3000 रुपए मिल रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट है बट महीने का 3000 रुपए मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो सुनो, एक साथ पैसा दिया जाता है, उसके पप्पा उसको हम एक साथ पैसा 3000 दे देते हैं, ठीक है, पप्पा उसको हमेशा महीने के पहले तारीख पे ना 3000 दे देते हैं, बोला बेटा ले जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं, फाइन, अब जी ले तेरी जिंदगी। तो सुनो तो हुआ यूं कि मीठा है खाना आज पहली तारीख है, मीठा है खाना आज पहली तारीख है, आज पहली तारीख है और आज हमको पॉकेट मनी मिलने वाली है, ठीक है। तो हुआ यूं, आज है ना कौशल सुबह सुबह उठ के है ना थोड़ा ऑनलाइन लेक्चर कर रहा था, ठीक है, तो वो पूरा ध्यान लेक्चर की ओर पे था और पप्पा से वो मुलाकात नहीं कर पाया और पप्पा जल्दी से दुकान पे चले गए, ठीक है, और उसको पॉकेट मनी दीच नहीं, और कौशल को तो चाहिए पॉकेट मनी, क्यों, कल फ्रेंडशिप डे है तो सेलिब्रेट तो करना ही है हमको, है ना, तो पैसे तो लगने ही वाले हैं, ठीक है। तो अब जैसे अभी वो अभी भी सोच रहा है जैसे यूडी सर का लेक्चर हो जाए जल्दी से जल्द, मैं इसका चलो मैं पप्पा के दुकान पे जाऊंगा और पैसा निकाल के आऊंगा, ठीक है, पप्पा को बोलूंगा पैसा दो, आपने पैसा नहीं दिया, ठीक है, ओके। तो कौशल के दिमाग में ये चल रहा है, अब सोचो, हाँ सुनो, पप्पा उसके दुकान पे बैठे गल्ले के, गल्ले पे मतलब जहाँ पे तिजोरी है वहां पे, ठीक है, वहां पे बैठे हैं, बोले पप्पा आज है ना वो ऑनलाइन लेक्चर चल रहा था ना, आज पहली तारीख है ना, आपने पॉकेट मनी नहीं दी तो पॉकेट मनी दो ना। तो बोला ठीक है बेटा, रुक रुक रुक, वो ऐसे यहाँ पे तिजोरी खोलेंगे, 3000 निकाल के देंगे और पौसे को दे दिया उसने, कौशल को दे दिया, हाँ या नहीं, करेंगे क्या नहीं करेंगे, यस और नो, ऐसा करेंगे, यस। तो उन्होंने वो अपनी दुकान की तिजोरी में से 3000 निकाले और आपको दे दिए, दुकान की तिजोरी में से पैसे निकाले और आपको दे दिए, फाइन। तो वो जो दुकान की तिजोरी में, अगर सपोज आज दुकान की तिजोरी में 50000 रुपए थे और उसमें से 3000 माइनस हो गए, बताओ कितने बचेंगे तिजोरी में, कितने बचेंगे अभी तिजोरी में, कम ऑन टेल मी, चैट में जवाब दो। अगर दुकान की तिजोरी में 50000 थे, कौशल आ गया 3000 दे दिए, तो दुकान की तिजोरी में कितने रहेंगे अभी, 47000 रहेंगे, हाँ या नहीं, यस एवरीवन, 47000 रहेंगे। तो सुनो, अगर कौशल दुकान पे नहीं आता था, अगर कौशल दुकान पे नहीं आता था तो बिजनेस में कैश कितनी दिखती थी, बिजनेस में कैश कितनी दिखती थी, कितनी दिखती थी अगर नहीं आता था तो, अगर नहीं आता था तो, कम ऑन टेल मी, 50000। लेकिन कौशल आ गया तो अभी बिजनेस में कैश कितनी दिखेगी, अभी बिजनेस में कैश कितनी दिखेगी बताओ, अभी बिजनेस में कैश कितनी दिखेगी, कौशल आ गया 47, तो विच मींस 3000 की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बुक्स में, 3000 की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बुक्स में, मतलब 3000 का रिकॉर्डिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या नहीं, हाँ होना चाहिए क्या, हाँ हाँ। तो सर अभी तो आपने बोला पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं होगा रिकॉर्ड, तो ये कैसे रिकॉर्ड होगा, अरे सुनो बच्चा लोग, अभी ट्विस्ट आएगा, सुनो ध्यान से। अब वो 3000 रुपए वो कौशल ने किसके के लिए खर्चे किए मालूम है क्या, कल फ्रेंडशिप डे है, हाँ ठीक है, तो कल उसने है ना एक अपने लिए अच्छी सी टी शर्ट खरीदी 400 रुपए की, ठीक है, उसके पास कितने पैसे बचे, 2600। कल है ना दोस्तों के साथ है ना जोमैटो ऑर्डर करके घर में है ना 1000 रुपए का खाना खाया, कितने पैसे बचे उसके पास, अभी 1600, ठीक है, और वो 1600 रुपए उसने हर पूरे महीने में है ना नहीं नहीं करके 500 रुपए उसने पेट्रोल का खर्चा किया, कितने बचे उसके, 1100। उस 1100 में से कहीं पे उसने आगे जाके है ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ना थोड़ा सा गिफ्ट लिया, ठीक है, 200-300 रुपए का, फाइन। तो ये जो खर्चे हैं, ये अलग अलग खर्चे, इसको पर्सनल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। 3000 का रिकॉर्ड होगा लेकिन दुकान में ये रिकॉर्ड नहीं होगा, गर्लफ्रेंड के लिए 200 रुपए का गिफ्ट लिया, पेट्रोल के लिए 500 रुपए का गया, ये रिकॉर्ड नहीं होगा दुकान पे, समझा क्या नहीं, ओए समझा अभी आपको, वो कौशल का हिसाब किताब है, लेकिन दुकान में से 3000 की एंट्री होगी, समझा क्या एवरीवन, रेज योर हैंड, समझा क्या नहीं एवरीवन, वो 3000 के हिसाब किताब कौशल रखेगा पर्सनल ट्रांजेक्शन, और 3000 का लेकिन खर्चा दिखाया जाएगा, और जो दुकान से 3000 निकाले ना तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स, क्या बोला जाता है उसको, ड्रॉइंग्स, लिख के लो, जो दुकान से हम पैसे निकालते हैं ना, एनी कैश विच इज बीन विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, लिखो, एनी कैश विच इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एनी कैश विच इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, any cash which is withdrawn for personal use, any cash
which is withdrawn for personal use is called drawings. It is being recorded. It is being recorded in business books. This is being recorded in business books. Okay? Any cash withdrawn for personal use is called drawings. This is recorded in personal books. Next line. However, personal transactions are not recorded in books. Personal transactions are not recorded in books. जैसे कि गर्लफ्रेंड का खर्चा, दोस्तों का खर्चा, ओके, उसने पेट्रोल पर्सनल यूज के लिए किया और बाय चांस है ना उसमें से उसने ना पार्टी वार्टी की, ये खर्चे यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे. वैसे ही अगर मुझे अपने बच्चों की शादी करवानी है तो बताओ एवरीवन, वो 10 लाख रुपए मैंने अपने तिजोरी में से पैसे निकाले, बताओ उसकी एंट्री होगी क्या नहीं होगी? वो 10 लाख रुपए मेरे बुक्स में एंट्री होगी क्या नहीं होगी? होगी. लेकिन वो 10 लाख मैंने अगर इवेंट मैनेजर को दिए, केटरिंग को दिया, डेकोरेशन वाले को दिया, वेडिंग कार्ड वाले को दिया, अपने सभी रिलेटिव्स को रिटर्न गिफ्ट दिया, तो ये सारे खर्चे रिकॉर्ड होंगे क्या? ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे? कम ऑन टेल मी. ओके, ये रिलेटिव को पैसे दिए, इसको 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 ऐसा ऐसा किया, रिटर्न गिफ्ट दिया, ये नहीं होंगे. समझा अभी आपको? यस और नो? समझा? यस, गॉट इट. समझा? तो मैंने अगर इसमें से 1.5 लाख रुपए निकाले और मैंने बीवी के लिए ज्वेलरी खरीदी, तो ज्वेलरी रिकॉर्ड नहीं होगी बट कैश विड्रॉन रिकॉर्ड होगा. समझा? ओके ओके एवरीवन, डन. समझा? एनी डाउट एनी इश्यूज? किसी को अगर यहां तक डाउट रहेगा, कुछ पूछा, मैं अनम्यूट करके आपको बात भी करूंगा. आप बोलो सर मेरे को डाउट है, मैं अनम्यूट करके आपके साथ बात करूंगा. कम ऑन टेल मी. किसी को कोई डाउट है? टेंशन मत लो, छोटी सी छोटी चीजें भी अगर आपको रहे ना, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, आपको चिल्लाऊंगा नहीं, हंसूंगा नहीं आपके ऊपर. ठीक है? मैं मेरे ओल्ड बैच से पूछो, मैं कभी भी किसके ऊपर हंसाऊं क्या डाउट के ऊपर? किसी से भी पूछो. मैं ऑन द कॉन्ट्री आई लव पीपल शुड आस्क मी क्वेश्चंस, मुझे अच्छा लगता है. ठीक है? नेक्स्ट. तो अपन ये सारे पर्सनल ट्रांजैक्शन है. फाइन, यहां तक क्लियर? आगे. अब ये सारे क्या हो जाएंगे? सुनो, मैंने वर्करों को सैलरी दी, मैंने गुड्स खरीदे कैश दिया, मैंने दुकान का टेलीफोन बिल भरा, मैंने दुकान का रेंट भरा, तो ये सारे दुकान के ट्रांजैक्शन. इसको क्या बोलते हैं अपन? बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे? हाँ रिकॉर्ड होंगे. हाँ या नहीं? यस, रिकॉर्ड होंगे ना? यस. सारे लिखो. बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स. लिखो, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स. ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, चाहे आप सैलरी दो, वेजेस दो, आप गुड्स खरीदो, टेलीफोन बिल भरो, दुकान का घर का नहीं, दुकान का भाड़ा भरो, घर का नहीं, घर का भाड़ा, पर्सनल ट्रांजैक्शन. ठीक है? ओके, फाइन. नेक्स्ट, टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब ये सुनो, बहुत अरसों पहले है ना क्या होता था, पैसे नहीं होते थे तो क्या करते थे लोग, इसको क्या बोलते बोलो? गुड्स के बदले गुड्स देते थे. उसको क्या बोला जाता है? 10वीं तक आपने सीखा है इसको, क्या बोला जाता है इसको? अनाज के सामने फल दो, फल के सामने अनाज दो, मच्छी के सामने चीजें दो, चीजें के सामने मच्छी ले लो. इसको क्या बोला जाता है बताओ एवरीवन? बार्टर ट्रांजैक्शन. एब्सोल्युटली राइट. तो बार्टर ट्रांजैक्शन में पैसे इन्वॉल्व है, पैसे इन्वॉल्व है, रुपीस है, रुपीस इन्वॉल्व होती है क्या? रुपीस नहीं ना. तो बताओ क्या मैं ये रिकॉर्ड कर पाऊंगा बुक्स में? क्या मैं ये रिकॉर्ड कर पाऊंगा बुक्स में? नहीं ना बेटा. तो ये घर रिकॉर्ड नहीं होगा. फाइन, ओके. नेक्स्ट, तो बार्टर ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. ठीक है? आजकल वैसे होते नहीं है ट्रांजैक्शन ये, अगर हुए भी तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे. लिखो, बार्टर ट्रांजैक्शन डजंट हैपन नाउडेज, हेंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दीस बुक्स. नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. ठीक है? गुड्स चेंज इन गुड्स. यस बेटा, जतिन ने कोई क्वेश्चन पूछा, सर घर का भाड़ा वगैरह तो जाने वाला है दुकान से ही ना बेटा. मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ बेटा. जतिन रुको, ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड होगा बेटा, ड्रॉइंग्स. मैंने वही बोला आपको, उसमें कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. ड्रॉइंग्स अकाउंट को कहा जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट. ठीक है? घर भाड़ा नहीं जाएगा, हाउस रेंट नहीं जाएगा, ऑफिस रेंट जा सकता है लेकिन घर भाड़ा नहीं. समझाऊंगा अभी, समझाता हूं मैं आपको. रुको आपको समझाता हूं, मैं समझाता हूं बेटा, टेंशन मत ले. ओके, ओके, सुनो. अच्छा, जतिन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सुनो बच्चा लो. अब जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, वैसे ही पापा आपके मम्मी को भी हर महीने का घर खर्च का देते हैं क्या? नहीं. कम ऑन टेल मी. मम्मी को देते हैं? तो मम्मी को अगर महीने का 10,000 रुपए दे रहे हैं और मम्मी को बोला 10,000 में तू सबका देख ले घर का, और घर अगर भाड़े का है तो मम्मी उसमें से भाड़ा भी देगी उसमें से? हाँ या नहीं? मम्मी उसमें से भाड़ा भी देगी क्या नहीं देगी घर का?
हाँ, तो अगर 3,000 रुपए घर का भाड़ा है तो 3,000 तो वहीं पे चले जाएंगे और 7,000 जो है बाकी के घर खर्च के लिए, किराना, मेडिकल, ये वो सारी चीजें लगेगी। तो मम्मी वो 10,000 के अंदर क्या क्या नहीं करती है, मम्मी भाड़ा भी भरेगी, किराना भी लेगी, मेडिकल के लिए भी देखेगी, फिर आपका दूध का भी हिसाब देखेगी, काम वाली बाइयों का भी हिसाब देखेगी, फिर आपका है ना छोटे मोटे खर्चे भी देखेगी, आपको जो छोटा मोटा है ना यू नो सरप्राइज गिफ्ट देना है तो वो भी देगी आपको मम्मी। हाँ या नहीं, मम्मी इतना सोच करती है, करती है क्या? नहीं। तो सुनो, तो एक साथ 10,000 की एंट्री होगी बुक्स में, 10,000 की एंट्री होगी, लेकिन ये सारी एंट्री नहीं होगी। समझा जतिन? जतिन समझा क्या? अभी सेविंग्स भी करती है। हाँ मम्मी सेविंग्स भी करती है। अब जतिन समझा? पेट्रोल भी देती है आपको। यस एवरीवन, अभी समझा? ओके, तो इन सब का नहीं हिसाब होता है, 10,000 माइनस हो जाएगा, ये होगा। क्लियर? क्लियर? ओके डन, फाइन। नेक्स्ट, ये देखो ये कौन है, ये सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे अकेले दुकान देखते हैं। ये देखो तो ये किराने वाली है, ये अकेला बेचारी है ना काम करती है, उसके उसके तो कोई और है नहीं, खुद ही दुकान खोलती है, खुद ही बंद करती है, खुद ही कैपिटल डालती है, खुद ही प्रॉफिट लेती है, खुद ही लॉस पूरा बेयर करती है। ठीक है, ये अकेला भाजी वाला बंदा है, अकेला आता है, मेहनत करता है, कैपिटल डालता है, प्रॉफिट देखता है, लॉस देखता है, दुकान भी प्रॉपरली चालू करता है, टाइम पर बंद करता है, जैसे उसको उसके मर्जी के ऊपर है। ठीक है, ओके। ये हमारा पंडित जी है, पंडित जी के स्किल्स के ऊपर पूरी उसकी दुकान चालू है, दुकान मतलब सर्विस की दुकान रे बाबा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ना पंडित जी जब तक नहीं रहते ना तब तक कुछ काम होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर बाद में है ना, ये क्या है, स्वपन राव वड़ा वाला, ठीक है, या सत्यम वड़ा वाला, जो खुद उसका मालूम है कितना बेहतरीन टेस्ट होता है उसका। ठीक है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, अगर वड़ा पाव खाना है तो हम इधर ही जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि इसका स्किल्स बहुत अच्छा है, अकेला दुकानदार है, बहुत मेहनत करता है और वड़ा पाव मस्त बनाता है। ठीक है, और उसके बाद वहां बाजू वाला हमारा पान वाला है। ठीक है, तो पान वाले के पास है ना मैं हमेशा जाता हूँ वड़ा पाव खाने का, मैं पान खाता हूँ। ठीक है, तो पान वाला अकेला, तो मुझे ये बताओ इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है? ये अकेला दुकान चला रहे, अकेले। तो जो इंसान अकेले दुकान चलाते हैं ना उसको बोला जाता है, जिनकी ओनरशिप अकेली की रहती है, ओनरशिप अकेली की रहती है, उसको बोला जाता है प्रोप्राइटर। उसको क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर। क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर मतलब ऐसे लोग जो अकेले दुकान संभालते हैं, प्रोप्राइटर ओनर है, अकेले ओनर है, उनके बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, उनके बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। ठीक है, सो प्रोप्राइटर इनको बोला जाता है। अ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय सिंगल पर्सन इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, लिख के लो। अ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय वन पर्सन सिंगल ओनर इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, पहली लाइन लिख के लो, आगे नहीं भी लिखी तो भी चलेगा, पहली लाइन लिख के लो। A business which is owned by one person is called proprietor. बाकी ये सारे तो फोटोज आपको मैंने नोट्स में दिए ही हैं, तो आपको नोट्स में तो समझ ही जाएगा सब कुछ। Proprietor provides the capital to start and run the business. Proprietor के ऊपर ही पूरा skills और expertise रहती है उसके पास, सारा profit भी वही लेता है, सारा loss की भरपाई भी वही करता है, और उसके पास पूरा control रहता है, पूरा control दुकान का, कब चालू करना है, कब बंद करना है, कितना चालू करना है, कितना बंद करना है, कितना माल रखना है, कितना नहीं रखना है, कौन सा रखना है, क्या नहीं रखना है, वो उसके ऊपर है। कौन से ग्राहक रखने, कौन से ग्राहक नहीं रखने हैं, कैश में चलाना है कि क्रेडिट में चलाना है, क्रेडिट में चलाना है तो कितना टाइम देना है, पीरियड मतलब उधारी का पीरियड कितना देने का, 1 महीना 2 महीना, सब उसके ऊपर रहता है। वो वड़ा पाव वाला सत्यम वड़ा वाला मालूम है कि नहीं? सत्यम वड़ा वाला कैसा रहता है, वो पहले से वड़ा बना के ही नहीं रखता है। हाँ, सत्यम वड़ा वाला पहले से बना के ही नहीं रखता है, उसको जाने का ऑर्डर देंगे, 10-15 मिनट रुकाता है, फ्रिज देता है, बना के नहीं रखता है वो कभी भी। ठीक है, अभी उसकी मर्जी है, क्यों? वो बोलता है सर्विस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, टर्नओवर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, भली जिसको रुकना है रुके ले, बनाया हुआ वड़ा मजा नहीं आता है, गरम गरम वड़ा खाने में मजा आता है। हाँ नहीं सर, एक तो लॉकडाउन है, बाहर का खाना कैसे तो कंट्रोल कर रहे हैं, और आप ऐसे वड़े पाव दिखा रहे हो सर। हाँ, और पान वाला तो सर इतने दिनों से बंद ही छे सर, पान तो खाया ही नहीं बाहर का इतने दिनों से। है ना, है ना, काय को सर आप ऐसे फोटो दिखाते रहते हैं। हाँ चलो आगे बढ़े, हो गया लिख के, हो गया प्रोप्राइटर मतलब क्या। अब आगे सुनो, सुनो, अगर सोचो आप प्रोप्राइटर, सोचो आप प्रोप्राइटर हो, आप प्रोप्राइटर हो, तो बताओ आपको अगर नया बिजनेस चालू करना है, कम ऑन टेल मी, अगर आपको एक नया बिजनेस चालू करना है, आप कोई भी प्रकार का बिजनेस बोलो, कोई भी प्रकार का अगर आपको बिजनेस चालू करना है, बताओ आपको क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी, बताओ। चलो मैं लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, कम ऑन टेल मी, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप मुझे जवाब दो, चलो मुझे जवाब दो। सपोज आपको नया नया बिजनेस चालू करना है, बताओ क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी। रुको रुको मैं लिख रहा हूँ, अरे इतना फास्ट नहीं रहे। आपको सबसे पहले पैसे लगेंगे, कैश, प्लेस लगेगी, बरोबर, दुकान चाहिए, मतलब दुकान चाहिए, शॉप चाहिए,
शॉप चाहिए, ठीक है, शॉप को अपन बोलेंगे लैंड या बिल्डिंग भी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या चाहिए, कम ऑन टेल मी, क्या क्या चाहिए, मनी चाहिए, एब्सोल्युटली सबने बोला, प्रॉपर्टी चाहिए, लिख दिया बेटा मैंने, लेबर चाहिए, बरोबर, लोगों लोग चाहिए मेरे को, लेबर चाहिए, लेबर मतलब क्या, मेन जो काम करने वाले हैं, ठीक है, वर्कमैन, वर्कमैन वर्कर लोग, ठीक है, लेबर लोग, वर्कर लोग, ठीक है, स्टाफ लोग, ओके, आप जो भी इनको नाम दे दो, आप मैनेजर लोग जो भी है, प्रोडक्ट चाहिए सबसे बड़ी, हाँ सर स्टॉक तो चाहिए ना, क्या बेचूंगा मैं, स्टॉक चाहिए क्या, नहीं माल सर, माल चाहिए, माल के बिना थोड़ी बेचूंगा मैं कुछ भी। नेक्स्ट और क्या चाहिए, रॉ मटेरियल लगेगा, हाँ अगर मैं फैक्ट्री डाल रहा हूँ तो स्टॉक में आ जाएगा सब, रॉ मटेरियल भी लगेगा अगर मेरे को फैक्ट्री डालना है तो, ठीक है। नेक्स्ट और बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, अरे क्या बात है एवरीवन, बरोबर सही बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगेगा, और बताओ क्या लगेगा, कम ऑन टेल मी, मैं कुछ ऊपर अगर मिस किया है तो आप नीचे कंटिन्यूअसली डालते चलो। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, एक्सप्लेन करो मुझे, टेलीफोन चाहिए, बरोबर। नेक्स्ट और बताओ, कंप्यूटर लगेगा, बरोबर, और बताओ, सप्लायर के साथ कांटेक्ट लगेगा, बरोबर, सप्लायर लगेंगे, कस्टमर भी लगेंगे, बिना कस्टमर कैसे बेच पाऊंगा मैं, ओके, मोबाइल लिखा मैंने, टेलीफोन, टेलीफोन ऑब्लिक मोबाइल दोनों में से एक, पीसी भी लिखा बेटा मैंने, और बताओ, और बताओ, बस इतना ही चीजें लगेंगी आपको। फर्नीचर लगेगा, बरोबर, अब अंदर फर्नीचर डालोगे ना लोगों को बैठने के लिए, फर्नीचर में क्या क्या आएगा, टेबल कुर्सी सब आएगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी सर, प्राइस की ट्यूटोरियल की, क्या कम एडवर्टीजमेंट करते हो क्या तुम, आपके एडवर्टीजमेंट के वजह से तो हम इधर आए हैं ना। इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन्वेस्टमेंट तो बाद में होगा रे बेटा, नया नया दुकान चालू किया है ना अभी अभी, पैसे आने तो दे, हाँ ओके, इम्पोर्टेंट है सर, एब्सोल्युटली राइट। लैपटॉप कंप्यूटर डाला, और बताओ, ऊपर डाला है कंप्यूटर, देखो डाला है मैंने कंप्यूटर ऑब्लिक लैपटॉप ऑब्लिक पीसी जो भी आप बोलो। नेक्स्ट और बताओ, और बताओ, बस इतनी चीजें लगेंगी, हो गई दुकान चालू। गुड सर्विस सर, वो तो क्वालिटीज में आ जाती है, क्वालिटीज में आ जाती है, आपको क्वालिटेटिव स्किल्स लगेंगे, क्या कैसे स्किल्स लगेंगे, कि लोगों को कन्विंस करने में, ओके, कैसे कन्विंस करने हैं, सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी, गुड सर्विस देनी पड़ेगी, क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी अगर आप होटल चालू कर रहे हो तो। ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़ेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है जो आप यूज करोगे, कम्युनिकेशन, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे, आपके इन शॉर्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स लगेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स लगेंगे अच्छे खासे। बट ये सारे मॉनिटरी, ये मॉनिटरी चीजें हैं क्या, ये मॉनिटरी है क्या नॉन मॉनिटरी है, ये सारी चीजें, ये मॉनिटरी है क्या नॉन मॉनिटरी है, कम ऑन टेल मी, ये नॉन मॉनिटरी है ना, हाँ ये तो आपके स्किल्स है, ये स्किल्स है आपकी, ठीक है, ये नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट्स है, ठीक है, नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट्स है, ऊपर वाले सब मॉनिटरी एस्पेक्ट्स है, बरोबर, कैश तो मॉनिटरी होता है, शॉप लैंड बिल्डिंग फुकट में तो नहीं आने वाली है, लैंड लेबर वर्कर स्टाफ को सैलरी फुकट में तो नहीं देने वाले हम, सैलरी देनी पड़ेगी हमको, स्टॉक के लिए भी पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल के लिए लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगेगा, टेलीफोन के लिए लगेगा, कंप्यूटर लैपटॉप के लिए लगेगा, सप्लायर इज अ नॉन मॉनिटरी बट कॉन्टैक्ट बना के रखने पड़ेंगे, सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखने पड़ेंगे, कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखने पड़ेंगे, फर्नीचर मॉनिटरी है और एडवर्टीजमेंट भी नॉन मॉनिटरी है, बरोबर, तो ये नॉन मॉनिटरी एनएम लिख रहा हूँ, ये भी एनएम लिख रहा हूँ, बाकी सारे मॉनिटरी है सर, ओनर भी लगेगा ना, हाँ खुद ही तो तुम ओनर हो ना यार कमीनो, खुद ही तो ओनर हो, हाँ मैंने बोला ना तुम खुद ओनर हो, तुमको दुकान खोलनी है तो बताओ क्या। एवरीवन हैज कम विद द राइट आंसर, एक चीज भूल रहे हो आप, सबसे बड़ी चीज भूल रहे हो आप, सबसे बड़ी चीज भूल रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हो आप, दुकान खोलने के टाइम पर इमीडिएटली हर बड़े इंसान है ना आपको बोलते हैं वो करने के लिए, ओके, यस, आप बहुत बड़ी चीज भूल रहे हो, पूजा अच्छा ठीक है, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस कर लिया, ठीक है, इनॉग्रेशन के लिए हमने कुछ खर्चे कर लिए, फाइन नो प्रॉब्लम डन, पूजा, इंश्योरेंस, ठीक है इंश्योरेंस भी लगेगा, यस, नहीं और एक चीज, क्या आपको बैंक अकाउंट नहीं लगेगा क्या बच्चा लोग, बैंक अकाउंट नहीं लगेगा बनाना, हाँ कोई अगर कस्टमर ने बोला आपको कि मैं चेक से पेमेंट दे रहा हूँ, हाँ कोई कस्टमर ने बोला मैं आपको ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा हूँ, तो आपको बैंक नहीं लगेगा क्या बेटा, बैंक लगेगा ना बेटा, बैंक अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, हाँ समझा आपको, समझा, अब सुनो, दुकान खोल रहे हो, हाँ आपके पास है ना दुकान खोलने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख, आपके पास 1 ही लाख रुपए है, आपके पास 1 ही लाख रुपए है, ठीक है, ओके, बाकी के पैसे क्या से जोड़ा करोगे, कहाँ से लोगे, लोन लोगे क्या, पहले आप ससुर जी के पास जाओगे, अरे पहले बोलो ना ससुर जी के पास जाओगे ना कमीनो, बोलो ना, हाँ ससुर जी के पास जाओगे क्या नहीं जाओगे, हाँ ससुर जी के पास जाओगे, उससे पैसा लोगे, है ना, फिर दोस्तों से पैसा लोगे, हाँ नहीं, हाँ हाँ सर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से काम नहीं होगा क्या, नहीं बेटा मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, रुको रुको, हाँ ससुर जी से नहीं, सर आपको हम क्या समझते सर, हाँ कुछ भी, ससुर जी से कोई पैसा लेता है क्या, हाँ अरे ऐसा बोलना आसान है, बाद में देखना कैसे करने वाले हो तुम, हाँ ठीक है
ससुर जी से पैसा लोगे, दोस्त रिलेटिव से लोगे। अब दोस्तों रिलेटिव और ससुर जी से है ना, आपको है ना सपोज सपोज 3 लाख रुपए और हो गए, 3 लाख रुपए और हो गए, ठीक है। तो अभी आपके पास कितने पैसा हो गए, अभी आपके पास कितने पैसे हो गए, 4 लाख, 1 लाख अभी बाकी है। कहाँ जाओगे अभी बताओ, किसके पास जाओगे? बैंक वाले देंगे क्या नहीं देंगे आपको पैसे, आया नहीं? बैंक वाले देंगे क्या नहीं देंगे? लोन देंगे ना, बैंक वाले आपसे लोन, आप बैंक से लोन ले सकते हो, बरोबर। अगर बैंक ने मना कर दिया तो किसके पास जाओगे बोलो? एफराइज में कौन दो लोग है, कौन दो लोग है जो आपको माल क्रेडिट पे दे सकते हैं, जो आपको माल क्रेडिट पे दे सकते हैं बताओ? हाँ, जो माल आपको क्रेडिट में दे सकते हैं एफराइज के कौन थे वो दो लोग? कल दिखाया ना मैंने आपको, हमारे हीरो वो दो लोग आए थे ना, हमारे सोनू और अप्सरा। यस, वो हमेशा रेडी रहेंगे आपके पास, बरोबर, हमेशा रेडी रहेंगे। सोनू और अप्सरा आपको क्रेडिट पे दे देंगे, फाइन। तो इसी के ऊपर नेक्स्ट 3 कॉन्सेप्ट है, बता देता हूँ, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो 3-4 कॉन्सेप्ट क्या है बता देता हूँ, सुनो ध्यान से, सुनो एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको सबसे पहले कैश लगेगी और आप उस कैश अपने पास भी रखोगे और बैंक अकाउंट भी बनाओगे, हाँ या नहीं? बैंक अकाउंट जो बनाना पड़ता है बेटा, ये पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं होता है। सुनो, मेरा नाम उमेश डोडेजा और मेरा दुकान का नाम क्या है? अप्राइज ट्यूटोरियल, बरोबर। मेरे दुकान का क्या नाम है? अप्राइज ट्यूटोरियल। वैसे ही सपोज है ना, वैसे ही निष्ठा ने है ना, निष्ठा बोरा उसका नाम है, और निष्ठा ने ब्यूटी पार्लर चालू किया, निष्ठा ब्यूटी पार्लर, ठीक है। तो बताओ वो बैंक अकाउंट में निष्ठा बोरा के अकाउंट से बनाएगी क्या निष्ठा ब्यूटी पार्लर के हिसाब से बनाएगी? कम ऑन, टेल मी। दुकान के नाम से होना चाहिए, दुकान के नाम से अकाउंट होना चाहिए। निष्ठा बोरा का ऑलरेडी रहेगा एक अकाउंट, लेकिन क्योंकि निष्ठा बोरा सिर्फ ब्यूटी पार्लर नहीं चला रही है, निष्ठा बोरा ब्यूटी पार्लर भी चला रही है, ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही है, निष्ठा बोरा की ज्वेलरी की भी दुकान है, निष्ठा बोरा का पेट्रोल पंप भी है। तो निष्ठा पेट्रोल पंप का एक अकाउंट बनेगा, निष्ठा ब्यूटी पार्लर का एक अकाउंट बनेगा, निष्ठा ऑनलाइन लाउंज करके एक अकाउंट बनेगा, और निष्ठा ज्वेलर्स, फाइन। तो 4 अलग अलग अकाउंट उसको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 अलग अलग बिजनेस है उसके। तो निष्ठा इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट। तो मुझे ये बताओ बच्चा लोग, अगर निष्ठा ज्वेलर में कोई परचेस हुआ है ज्वेलरी का, तो पेट्रोल पंप में दिखाया जाएगा क्या? अरे बोलो ना यार, पेट्रोल पंप के बिजनेस में दिखाया जाएगा क्या? हाँ या नहीं? अरे बोलो ना, हाँ या नहीं? अरे बोलो ना यार, हाँ या नहीं? निष्ठा ज्वेलर्स की दुकान पे अगर हमने कोई खरीदी की है तो पेट्रोल पंप में दिखाओगे क्या? वहां पे पेट्रोल की बिक्री हुई है तो ऑनलाइन में दिखाओगे क्या? यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में उसने सर्विस दी तो क्या ज्वेलरी में दिखाओगे क्या? नहीं ना, समझा? बिजनेस इज डिफरेंट, प्रोप्राइटर इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट, प्रोप्राइटर इज डिफरेंट, समझा के नहीं? जैसे कि आपके बाजू में कोई सिद्धांत भैया है या सिद्धार्थ भैया है, ठीक है, वो सिद्धार्थ भैया उसका प्रोप्राइटर है, किसका प्रोप्राइटर है? सिद्धांत प्रोविजन स्टोर्स का, सिद्धांत स्टेशनरी का, समझा गया नहीं अभी आपको? एवरीवन समझ गया? तो आप दुकान का अकाउंट खोलोगे क्या खुद के नाम पे दुकान खोलोगे? दुकान के नाम पे। तो जब आप दुकान के नाम पे अकाउंट खोलते हो ना, तो उसको बोला जाता है करंट अकाउंट। क्या बोला जाता है उसको अपन? क्या बोला जाता है बोलो एक्शन करके? करंट अकाउंट। क्या बोला जाता है उसको अपन? करंट अकाउंट। इस अकाउंट से टच करने के बाद अपने को करंट लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज सर, फालतू के पीछे मत मारो आप, हमको मालूम है करंट अकाउंट क्या रहता है, इतना भी डिटेल मत में हमको पढ़ाने पे जाओ, ठीक है। उसको बोला जाता है करंट अकाउंट। और जो हम अपना खुद का अकाउंट बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं बोलो? बोलो उसको क्या बोलते हैं? हम जब हम खुद का अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। समझा क्या नहीं? समझा क्या नहीं? यस सर, मतलब के बिजनेस के लिए अलग अकाउंट खोलना पड़ता है। यस कशिश बेटा, बिजनेस के लिए अलग दुकान अकाउंट। जैसे कि आपके पापा का नाम है कृष्णा और पप्पा का दुकान है कृष्णा लॉटरीज, तो कृष्णा लॉटरी का अकाउंट बनेगा। समझा बेटा कशिश? ओके, समझा एवरीवन? क्लियर एवरीवन सबको? तो आप अपने पप्पा से पूछो, आपके पप्पा का एक सेविंग अकाउंट होगा लेकिन पप्पा के अलग अलग करंट अकाउंट भी हो सकते हैं, करंट अकाउंट, फाइन, ठीक है एवरीवन? गॉट एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, प्लीज रेज योर हैंड्स। सब दो जन रेज कर रहे हैं, 3 जन, कट्टी कट्टी कट्टी, तुमको कट्टी, मैं नहीं करूंगा, बातचीत नहीं करूंगा। ऐसा करते हो तुम सब, एक टिक, एक वो बटन क्लिक करने के लिए बोल रहा हूँ, वो भी नहीं कर रहे हो तुम। 23 के 23 लोग करना चाहिए था यहाँ पे, ऐसे करते हो तुम। हाँ सर, सेविंग अकाउंट एक ही होगा क्या? नहीं, आप मल्टीपल सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन दुकान के लिए करंट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब मेरे पास 5-5 सेविंग अकाउंट है, मेरे पास 5-5 सेविंग अकाउंट है, ओके, और एक ही करंट अकाउंट है। प्राइस ट्यूटोरियल का एक करंट अकाउंट है और मेरे 5 सेविंग अकाउंट है, ओके, ऐसे ही मैंने
पैसे थोड़े ज्यादा है ना मेरे पास, तो 5 अलग अलग बैंक में रखे हैं पैसे, ठीक है ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे अलग अलग बैंक में रहेंगे ना, एक ही बैंक में पैसे रहेंगे तो डर लगता है ना, बैंक बुड़ जाएगी तो, एक बुड़ गई तो बैंक, हाँ ना सर। इन्वेस्टमेंट और सेविंग अलग अलग है क्या? हाँ बेटा, सेविंग मतलब मैं बैंक अकाउंट में पैसे रखता हूँ, उसमें से मैंने शेयर्स में पैसे डाले तो वो इन्वेस्टमेंट, उसमें से निकालते मैंने एफडी बनाई तो इन्वेस्टमेंट, उसमें से निकाल के मैंने प्रॉपर्टी खरीदी तो इन्वेस्टमेंट। सेविंग अकाउंट में जो पैसा रहता है उसको हम सेविंग अकाउंट का पैसा बोलते हैं, जो पड़ा रहता है, ठीक है ओके। नहीं, करंट अकाउंट से पैसे आपने अगर सेविंग में डाले तो उसको टैक्स ज्यादा लगेगा क्या? ऐसा नहीं है, उसको ड्रॉइंग्स बोला जाएगा बेटा। आपने दुकान में से पैसे निकाल के आपने पर्सनल यूज के लिए लिए, समझा अभी आपको प्रसाद? आपने दुकान के पैसे निकाल के, करंट अकाउंट में मतलब दुकान का पैसा पड़ा है, सेविंग अकाउंट में मतलब खुद का पैसा पड़ा है, आपने यहां से उठा के सेविंग अकाउंट में डाल दिए, मतलब आपने ड्रॉइंग्स किया बेटा, मतलब आपने ड्रॉइंग्स किया, समझा आपको? समझा? ये बहुत आगे के क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, बहुत महापुरुष लोगों के कैटेगरी में आ रहे हो यार तुम, अभी अभी तो शुरुआत की अकाउंट से यार, आज ही के दिन पूरी पीएचडी करनी है क्या तुमको? हाँ आएगा, सब आएगा, टेंशन मत लो, आएगा, सब चीजें क्लियर होगी। अभी मैं आगे बढ़ू, सुनो अभी आगे बढ़ने दो, थोड़े 3-4 कॉन्सेप्ट सीखने दो। तो जो भी पैसा आप लाते हो बिजनेस में या बैंक अकाउंट में, जो भी पैसा डालते हो जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसको बोला जाता है कैपिटल। क्या बोला जाता है उसको? अपन कैपिटल। जो भी आप पैसा लाते हो, जिसको हम कैपिटल को हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, माल मत्ता बोलो आप, या नहीं तो क्या बोलते रहे हिंदी या मराठी में, कुछ तो बोलते हैं कैपिटल को, मैंने 2-3 बार पिछले बैच में बोला था, मैं नाम ही भूल गया। हाँ, भांडवल, भांडवल, यस यस यस, भांडवल, ठीक है, उसको बोलते हैं भांडवल, ठीक है। जो भी बिजनेस में आप पैसा डालते हो उसको बोलते हैं भांडवल, ठीक है ओके। तो कैश या जो भी आप बिजनेस में पैसा डाल रहे हो उसको बोलेंगे हम कैपिटल, भांडवल, ठीक है ओके। अब सुनो आगे जाके, ये पैसों से आपने क्या किया, आपने खुद का फर्नीचर खरीदा, ठीक है, आपने खुद का कंप्यूटर खरीदा, खुद का कंप्यूटर खरीदा, आपने खुद का है ना, आपने खुद का है ना, खुद का आपने क्या किया, कैपिटल, फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, एक आधी जेरोक्स मशीन खरीदी, जेरोक्स मशीन खरीदी, प्रिंटर खरीदा आपने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको जो भी दुकान में चाहिए, ठीक है। अभी वो निष्ठा बोरा जो है वो उसमें अंदर क्या डालेगी, मतलब क्या, वो कैश की काउंटिंग मशीन भी डालेगी, है ना, कैश काउंटिंग मशीन, ठीक है, कैश काउंटिंग मशीन। अब बताओ ये आपकी खुद की रहेगी, हाँ या नहीं, ये आपकी खुद की रहेगी, ये आपकी खुद की रहेगी, आप उसके खुद के मालिक हो, आप मालिक हो, हाँ या नहीं, आप ये खुद की रहेगी और क्या आप खुद उसके मालिक हो? यस और नो, प्लीज सब तो जवाब दो यस। तो ये जो आप अपने पास रखते हो, अपने दुकान में रखते हो, जिसके मालिक आप खुद हो, जिसके मालिक आप खुद हो, आप खुद मालिक हो, यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मतलब फर्नीचर भी आपकी प्रॉपर्टी है, कंप्यूटर भी आपकी प्रॉपर्टी है, जेरोक्स मशीन भी आपकी प्रॉपर्टी है, प्रिंटर भी आपकी प्रॉपर्टी है, कैश काउंटिंग मशीन, सीसीटीवी, टीवी, अगर आपने ये सब दुकान में रखा है और जिसके मालिक आप खुद हो, तो उसको बोला जाता है अकाउंट्स की भाषा में एसेट्स। क्या बोला जाता है उसको अपन? एसेट्स। हाँ या नहीं, समझा के नहीं, समझा के नहीं? कैपिटल मतलब क्या, एसेट मतलब क्या? कैपिटल मतलब भांडवल। जो भी आप बिजनेस में पैसे लाते हो उसको बोलते हैं भांडवल, कैपिटल। इस कैपिटल में से अगर आपने कोई चीज खरीदी आपने नम पे, अपने दम पे, अपने नाम पे, तो उसको बोलेंगे एसेट। अब मुझे ये बच्चा लोग बताओ, सुनो बच्चा लोग, सुनो 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 सुनो, मेरे पास 5 लाख रुपए थे, मेरे को दुकान चालू करना था, दुकान जो जगह मैंने देखी ना वो जगह 25 लाख रुपए में थी, 25 लाख। अब बताओ क्या करूं मैं, दुकान डालूं या नहीं डालूं, कैसे डाल सकता हूं बोलो? 25 लाख में दुकान है, वो दुकान डालूं या नहीं डालूं? कम ऑन, क्या क्या आपके दिमाग में है? लोन नहीं मिल रहा है मेरे को, 20 लाख का लोन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है मेरे को लोन, और मेरे को लेने का भी नहीं, बोलो क्या ऑप्शन रहेगा दूसरा? दूसरा क्या ऑप्शन रहेगा? अरे सोचो ना यार, दुकान अगर खरीद नहीं सकते लेकिन भाड़े पे तो ले सकते हैं, हायर नहीं, खरीद नहीं सकते लेकिन भाड़े पे तो ले सकते हैं। तो उसको पूछा कितना भाड़ा, बोला 8,000 रुपए, बोला ठीक है मैं 8,000 दे सकता हूँ मेरे को तुमको। हाँ, तो मैंने वहां पे जाके दुकान खोली। बताओ क्या वो जगह मेरे नाम पे है? क्या वो जगह मेरे नाम पे है? कम ऑन टेल मी, क्या वो जगह मेरे नाम पे है? क्या मैं ओनर हूँ? क्या मैं ओनर हूँ? क्या शॉप मेरा एसेट रहेगा क्या? बताओ मुझे, क्या शॉप मेरा एसेट रहेगा क्या? क्यों एसेट नहीं रहेगा? क्यों, तो आप तो बिजनेस चला रहे हो सर, कैसे नहीं एसेट? सर एसेट की मीनिंग आपने ही बताई सर अभी अभी, अगर आप ओनर हो तभी जाके वो एसेट कहलाया जाएगा, अगर आप ओनर नहीं हो
तो आपको एसेट नहीं गिना जाएगा। तो वो इसका ओनर कौन है, उसका ओनर कौन है, सपोज उसका ओनर है वो मालिक जिससे मैंने ना वो जगह भाड़े पे ली है। समझा आपको, समझा गया नहीं? ओके, तो जगह कोई चीज अगर आपकी खुद की है तो वो आप उसको एसेट बोल सकते हो, अगर आपकी खुद की नहीं है तो आप उसको एसेट नहीं बोल सकते हो। समझा एवरीवन, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, तो अगर आप ओनर हो तभी जाके एसेट, अगर आप ओनर नहीं हो तो आपकी वो लाइबिलिटी हो जाती है। फाइन, डन डन डन, ओनर नहीं उसको लाइबिलिटी नहीं, भूल जाओ मैंने जो बोला, आप ओनर हो तो एसेट, ओनर नहीं हो तो आपका वो खर्चा, रेंट आपका खर्चा रहेगा। फाइन, ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं हम इससे। अब सुनो, मैंने आपको बताया अभी बताया, सपोज आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे, लोगों से लोन लोगे क्या नहीं, हाँ या नहीं? तो अगर आपके पास माल के लिए पैसा ही नहीं है तो आप लोगों से लोन लेते हो। लोन कौन सा रहता है, फ्रेंड रिलेटिव से भी लोन ले सकते हो आप, ठीक है, आप बैंक से भी लोन ले सकते हो, हाँ या नहीं? या नहीं तो हमारी सोनू और अप्सरा से क्या करोगे, आप सोनू अप्सरा से उधार पे गुड्स खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे, उधार पे गुड्स खरीदेंगे, अरे हाँ या नहीं बोलो ना यार, उधार पे गुड्स खरीदेंगे। फाइन, अब सुनो ये सारे क्या हो गए मालूम है क्या। अब मुझे ये बताओ, आपने अगर दोस्तों से लोन लिया आपको लौटाने पड़ेंगे क्या नहीं लौटाने पड़ेंगे, हाँ या नहीं, लौटाने पड़ेंगे क्या नहीं? आपने बैंक से लोन लिया आपको लौटाने पड़ेंगे क्या नहीं, हाँ? आपने वो सोनू अप्सरा से गुड्स उधार पे खरीदे आपको पैसे देने पड़ेंगे क्या नहीं, कभी ना कभी तो देने पड़ेंगे ना, फ्रेंड रिलेटिव चाहे कोई भी कितने भी क्लोज आने दो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, और बैंक वाले जो है वो तो छोड़ने ही नहीं वाले हैं आपको, बैंक वाले तो आपको छोड़ने ही नहीं वाले हैं। सोनू अप्सरा सुनेंगे ठीक है, एक आधा महीना दो महीना तीन महीने रुकेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो एकदम शिव की तीसरी आंख खोल के आपको बोलेंगे पैसा दो, हाँ या नहीं? तो सुनो, बिजनेस में जब आप कोई चीज लेते हो, बिजनेस के लिए कोई चीज लेते हो आप, और उसके अगर आपने पैसे नहीं दिए ना, अगर उसके पैसे नहीं दिए ना, तो बताओ आपको चैन की नींद आएगी क्या, कम ऑन टेल मी, नहीं आएगी ना, क्यों? आपके सर पे एक भोजा रहेगा आपको इसके पैसे देने, सर पे भोजा रहेगा ना आपको पैसे देने। तो जब भी आपको सर पे भोजा रहता है ना कुछ पैसे लौटाने के लिए, उसको बिजनेस की भाषा में बोला जाता है लाइबिलिटी। क्या बोला जाता है उसको, अपन लाइबिलिटी। समझा आपको, लाइबिलिटी मतलब क्या, एसेट मतलब जिसके आप खुद मालिक हो, लाइबिलिटी मतलब एनी अमाउंट पेएबल इज कॉल्ड लाइबिलिटी, एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी, ओके, इज कॉल्ड लाइबिलिटी। समझा आपको, ये तीनों चीजें आपको अभी मैं डिजिटली दिखा देता हूँ, आपको समझ आएगा, उसके बाद अपन ये लेक्चर को क्लोज करते हैं फटाक से। देखो एवरीवन, जल्दी देख लो, अगर आपको बिजनेस है चलाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको लगेगा कैश, और या नहीं तो आपको बैंक अकाउंट लगेगा। जो भी पैसा आप डालते हो बिजनेस में उसको बोला जाता है क्या, कैपिटल। क्या बोला जाता है उसको, अपन कैपिटल। इसको नोट डाउन आप नोट्स में से कर लो, नोट्स में से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मैंने नोट्स भेजा हुआ है आपको, अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा, आप इस कैश से क्या खरीदोगे, लैंड खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, फर्नीचर डालोगे, कंप्यूटर लोगे, चेयर कुर्सियां, माल भरोगे, और आपकी तिजोरी में से पैसा माइनस होते जाएगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, any property of any kind owned by the businessman is called an asset, is called an asset. The ownership of property will be with the business. आप owner रहने चाहिए आप, अगर आप owner नहीं हो तो आपका asset होगा नहीं। और next, तीसरा, suppose आपको है ना और चाहिए business में पैसा चाहिए लेकिन आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, भोजा ले लोगे। कैसे भोजा लो लोगे, बैंक के पास जाओगे, ये हमारी ICICI बैंक वाली है, ICICI बैंक जो हमेशा रिश्ते निभाती है, अच्छे अच्छे रिश्ते निभाती है, बहुत हंस के मुस्कुरा के हमारे रिश्ते निभा देती है वो, ठीक है। तो कल रक्षाबंधन है तो कल जाके रिश्ते निभा के आना, ठीक है, सब लोग जिसको रिश्ते निभाने उसके साथ निभा के लो, ठीक है, ओके। मैं नहीं जाने वाला उसके पास, तुमको जाने का तो जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला। आप दोस्तों से लोन लोगे या फिर सोनू अप्सरा से पैसे नहीं गुड्स उधार पे लोगे, और ये चीजें क्या होती है आपकी लाइबिलिटी। ये सारी चीजें क्या होती है, लाइबिलिटी। एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज कॉल्ड लाइबिलिटी, इट इज अ डेब्ट और अमाउंट ड्यू टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड फॉर द बिजनेस यूनिट। आपको बिजनेस में बेनिफिट मिला, पैसे आए लेकिन देने हैं, अभी तक दिए नहीं है, तो भोजा है। एनी अमाउंट पेएबल इज अ लाइबिलिटी। समझा क्या नहीं एवरीवन, यस और नो? आज हमने क्या क्या किया, आज हमने देखा, आपको शॉर्ट से रिकैप करवा देता हूँ, क्या क्या किया लिख के देता हूँ आपको। मैंने आज पढ़ाए पर्सनल ट्रांजैक्शन क्या होता है वो पढ़ाया आपको, मैंने आज ड्रॉइंग्स क्या होता है वो भी पढ़ाया, आज मैंने आपको बार्टर एक्सचेंजेस क्या होते हैं वो बताए, बार्टर ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बरोबर। आपको मैंने आज बताया प्रोप्राइटर मतलब क्या, बरोबर।
आज मैंने आपको बताया एसेट मतलब क्या, लाइबिलिटी मतलब क्या, कैपिटल मतलब क्या, यस और नो? कुछ पेंडिंग रहा इतना करवाया, यस और नो सबको? यस, डन डना डन, डू रीड इट, हम कल आगे बढ़ेंगे, फाइन? यस, मैं नोट्स में से पढ़ लो और आपका इमीडिएटली, अभी नहीं है, ओल्ड बैच का लेक्चर है 12:30 बजे, न्यू बैच का 1:15 बजे है, फाइन, क्लियर? चलो टाटा बाय बाय करो मेरे साथ अभी, टाटा बाय बाय करो मेरे साथ और बोलो कैसा लगा लेक्चर, बढ़िया लगा आपका आज का लेक्चर? हाँ बढ़िया, यस सर, ओके ओके बेटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय सर, बाय एवरीवन, सी यू सर, बाय सर, बाय 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 बाय, ओके, कल रक्षाबंधन है, वो आईसीएमसी के पास चली जाना, ठीक है, ओके, रिश्ते निभाने, ओके, यस सर।